हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। तो सबसे पहले देखते हैं वैल्यूज क्या होता है। वैल्यूज आर द बेसिक कन्विक्शन अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो कहा जा रहा है वैल्यूज आर द बेसिक कन्विक्शन। बेसिक कन्विक्शन मतलब कि बेसिक बिलीफ या फिर बेसिक ओपिनियन अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, क्या चीज नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। ये सारा जो इंडिविजुअल्स जो बिलीफ रखता है, जो अपना ओपिनियन रखता है, उसी वही कहलाता है वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू राकेश, राकेश एक सोशियो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया था वैल्यू को एज वैल्यू रिप्रेजेंट्स बेसिक कन्विक्शंस दैट अ स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट इज पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल टू एन ऑपोजिट मोड ऑफ कंडक्ट। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट इज राइट और रॉन्ग। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी। अगर कोई इंडिविजुअल कोई बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मर्डर किया, तो उसके लिए उसको कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं, ये सही है या गलत है। तो बहुत लोग होंगे वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल देना चाहिए, उस इंसान ने मर्डर किया है, उनको तो फांसी की सजा देना बहुत जरूरी है, या किसी तरीके का भी डेथ पेनल्टी देना जरूरी है। बहुत लोग ये कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट गलत है, किसी भी इंसान को दूसरे इंसान का जिंदगी लेने का हक नहीं है, ये हक सिर्फ भगवान का है। तो ये चेंजेस क्यों है बिलीव्स में, अपने लोगों के ओपिनियन में चेंजेस क्यों है? बिकॉज ऑफ द वैल्यूज। उन लोग का अपने वैल्यूज के वजह से ही उन लोग का जो बिलीफ है, जो ओपिनियंस है, उसमें डिफरेंसेस है। सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं व्हाट इज राइट और रॉन्ग, व्हाट इज गुड और बैड, और नॉर्मल और अबनॉर्मल। और ये जिस चीज के वजह से उन लोग सोचते हैं वो होता है वैल्यूज। उन लोग का जो वैल्यू सिस्टम है उसके ही अकॉर्डिंग उन लोग जज करते हैं क्या सही है क्या गलत है। आगे देखते हैं। दे यहाँ पे वैल्यूज है। वैल्यूज आर द फंडामेंटल बिलीफ्स दैट गाइड और मोटिवेट द एटीट्यूड्स और एक्शंस ऑफ अ पर्सन। वैल्यूज आर हाइलाइटेड अंडर एथिकल स्टडीज। तो वैल्यूज क्या है, वो एथिकल स्टडी कहा जाता है कि इथिक्स, लोगों के इथिक्स के बारे में स्टडी करते हैं वैल्यूज में। एंड वो एक फंडामेंटल बिलीफ होता है जो हेल्प करता है लोगों का एंड मोटिवेट करता है उन लोग के एटीट्यूड एंड एक्शंस को लेकर। ठीक है, एटीट्यूड एंड एक्शंस और एक्शंस ऑफ अ पर्सन। तो इंसान अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही उन लोग का एक्शंस डिफरेंट रहता है, उन लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ देयर वैल्यूज। मोरओवर, फैमिली, रिलीजन, कल्चर, लाइफ एक्सपीरियंस, पर्सनल फैक्टर्स एंड मॉरल फिगर्स स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस द वैल्यूज। तो ये सारा फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है वैल्यूज को। फैमिली इन्फ्लुएंस करता है, रिलीजन, कल्चर, इंसान का लाइफ एक्सपीरियंस, पर्सनल फैक्टर्स एंड मॉरल फिगर्स। हेंस वैल्यू सर्व्स एज अ गाइडिंग एज द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर अ पर्सन इन देयर लाइफ्स। तो वैल्यूज ही ऐसा एक्ट करता है एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल कि इंसान को अपना लाइफ में कुछ भी करना होता है वो उसके अपने वैल्यू सिस्टम से ही उन लोग समझ पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या किस रास्ता को चुनना चाहिए, किस रास्ता को नहीं, किस रास्ते में नहीं जाना चाहिए। लाइकवाइज वैल्यूज में ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर, एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मोरोवर, अ वर्क प्लेस कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो हाईलाइट्स द वैल्यूज। तो वर्क प्लेस कोड ऑफ कंडक्ट में भी वैल्यूज का रोल प्ले होता है, जैसे कि आपका कॉर्पोरेट वैल्यूज आ जाता है, वर्क प्लेस वैल्यूज आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज ले द फाउंडेशंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन। तो वैल्यूज ही बेसिस फॉर्म करता है किसी भी इंडिविजुअल का एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन में। ठीक है, इंसान का जिस तरीके का वैल्यू है उसी इंसान उसी तरीके का उसका एटीट्यूड होगा एंड उसी तरीके से वो इंसान का मोटिवेशन भी होगा। ये सब एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन बैक्ड अप होगा आपका वैल्यू से, वैल्यू सिस्टम से। नेक्स्ट है पर्सनल वैल्यू सिस्टम इन्फ्लुएंसेस द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स का परसेप्शन भी डिपेंड करता है वैल्यूज पे। जैसे कि अगर आप किसी
पर्सन को देखे, किसी इंसान को देखे, वो इंसान को आप बस देखे, आप जानते नहीं है वो इंसान को, लेकिन आप अपने माइंड में परसेप्शन बना लिए उस इंसान के लिए कि वो इंसान ऐसा होगा वैसा होगा। ये आप परसेप्शन कैसे बनाए, बिकॉज ऑफ द वैल्यूज, आपका वैल्यूज ही इन्फ्लुएंस किया है वो परसेप्शन बनाने में कोई इंडिविजुअल का। हम लोग सेलिब्रिटीज के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं, हम लोग पर्सनली नहीं जानते, हम लोग बस टीवी में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, और हम लोग कुछ परसेप्शन बना लेते हैं। ये भी आपका होता है वैल्यूज के थ्रू, वैल्यूज इन्फ्लुएंस करता है परसेप्शन बनाने में। नेक्स्ट है पर्सनल वैल्यू सिस्टम्स। अ सिस्टम इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच अ मैनेजर व्यूज द अदर इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पर्सनल वैल्यू सिस्टम होता है कोई भी इंडिविजुअल में, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर में, तो अपने वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उन लोग बाकी के इंडिविजुअल्स को भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजर है जिनको पंक्चुअल रहना बहुत पसंद है, तो वो भी एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका वैल्यूज ऐसा है, तो वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि बाकी के जो इंडिविजुअल्स है, बाकी के जो एम्प्लॉयज है, उन लोग भी पंक्चुअल रहे। ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू सिस्टम ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस अ मैनेजर्स डिसीजन एंड हिज सोल्यूशन टू द वेरियस प्रॉब्लम्स। तो कोई भी मैनेजर का जो वैल्यू सिस्टम है उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही, उसका जो बिलीव्स है, उसका जो ओपिनियन है, उसके हिसाब से ही उनका जो डिसीजन होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उनके वैल्यूज के बेसिस पे ही होगा। जो भी वो उनका बिलीफ है, उनका ओपिनियन है, वो किस तरीके से जज करते हैं चीज़ों को, उसी अकॉर्डिंग वो कोई भी चीज़ डिसाइड करेंगे, एंड कोई भी प्रॉब्लम आएगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसका सोल्यूशन भी अपने वैल्यूज के बेसिस पे ही उसका सोल्यूशन वो फॉर्म करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल विल गेट मोर जॉब सेटिस्फैक्शन इफ हिज वैल्यूज अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज। इफ द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज आर डिफरेंट फ्रॉम हिज व्यूज एंड वैल्यूज ही विल बी डिसअपॉइंटेड। द डिसअपॉइंटमेंट विल लीड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन एंड डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। तो कोई भी इंडिविजुअल का जो वैल्यू सिस्टम है वो अलाइन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज से। अलाइन यानी कि जैसा ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज है वैसा ही वो इंडिविजुअल का वैल्यू सिस्टम भी है। अगर वो अलग है, डिफर कर रहा है, इंसान का कुछ और ही ओपिनियन और बिलीफ है, पर ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसीज है वो कुछ अलग चीज कह रहा है, तो ऐसे में क्या हुआ, उन लोग का बिलीफ मैच नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल सेटिस्फाइड नहीं रहेगा वो जॉब में। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का ये बिलीफ है, ये पॉलिसी है कि आपको वापस घर जाना है 7 बजे, 7 बजे डेडलाइन है, लेकिन जो पर्सन है उसका ये बिलीफ है कि नहीं, कोई भी वर्क प्लेस में आपका लास्ट टाइम रहना चाहिए 5 बजे, 5 बजे तक आपको ऑफिस में रहना चाहिए, उससे पहले घर आना चाहिए, ये उसका बिलीफ है। ठीक है। ये उसका वैल्यू है, वो यही सोचता है, और ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी ये है 7, तो उसका क्या है, क्लैश कर रहा है उसका वैल्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज। तो ऐसे में वो इंडिविजुअल खुश रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं खुश रहेगा, और इसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस में इफेक्ट होगा। आगे है टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो अकॉर्डिंग टू मिल्टन राकेश, जिसका जिसके बारे हमने डेफिनेशन भी पढ़ा था अबाउट वैल्यू, उस वो जो एक सोशियो साइकोलॉजिस्ट है थे, उन्होंने क्लासिफाई किया था वैल्यूज को 2 कैटेगरीज में, टर्मिनल वैल्यूज एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। तो पहले देखते हैं टर्मिनल वैल्यूज क्या होता है। टर्मिनल वैल्यूज रिफ्लेक्ट द पर्सन्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, द अल्टीमेट गोल इन अ डिजायर्ड स्टेटस और आउटकम द पर्सन वॉन्ट्स टू अचीव। तो टर्मिनल वैल्यूज वो होता है कोई भी इंसान का जो अल्टीमेट गोल होता है अपने लाइफ में, यानी कि उसका वो उनको लाइफ में क्या चाहिए, आउटकम क्या होना चाहिए लाइफ का। तो कोई भी इंसान क्या चाहता है कि उनका लाइफ, जैसे यहाँ पे है आपको टर्मिनल वैल्यूज का सारा है एग्जाम्पल्स, कोई भी इंसान को लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को चाहिए, ये आपका टर्मिनल वैल्यूज ही है जो आपको ये कहता है कि आपको एक लाइफ कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, एक्साइटिंग लाइफ चाहिए, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट चाहिए, वर्ल्ड एट पीस, वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, इक्वालिटी, फैमिली सिक्योरिटी, फ्रीडम, हैप्पीनेस, इनर हार्मनी, मेच्योर लव। तो ये सारा सेल्फ रेस्पेक्ट, ट्रू फ्रेंडशिप, ये सारा इंसान को ये सारा चाहिए। तो ये सारा आपका रिफ्लेक्ट करता है टर्मिनल वैल्यूज। ठीक है। टर्मिनल वैल्यूज ही है जो इंसान को उसका जो अल्टीमेट गोल है वो इस टर्मिनल वैल्यूज की वजह से ही कोई भी एक इंडिविजुअल है वो एक अल्टीमेट गोल फॉर्म करता है। ठीक है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज रिलेट टू मीन्स फॉर अचीविंग डिजायर्ड एंड्स। इट इज अ टूल फॉर अक्वायरिंग अ टर्मिनल वैल्यू। तो डिजायर्ड एंड्स क्या है, ये लोगों को
ये डिजायर करते हैं, लोगों को ये सारा चीज चाहिए, ठीक है, ये सारा चीज चाहिए लोगों को, और ये सारा अचीव करने के लिए जो टूल्स है वो ये होता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, ठीक है, वो टूल्स होता है आपका एम्बिशियस। आप एम्बिशियस रहोगे, हार्डवर्किंग रहोगे, तभी आपका लाइफ कंफर्टेबल रहेगा। ब्रॉड माइंडेड यानी कि ओपन माइंडेड, केपेबल, चेयरफुल, क्लीन, करेजियस, फॉरगिविंग, हेल्पफुल, ऑनेस्ट, इमेजिनेटिव, इंडिपेंडेंट, इंटेलेक्चुअल यानी कि इंटेलिजेंट, लॉजिकल, लविंग, ओबीडियंट, पोलाइट, रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ कंट्रोल्ड। ये सारा वैल्यूज अगर रहेगा इंसान में तो वो टर्मिनल वैल्यूज जो है वो अचीव कर पाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका टर्मिनल वैल्यूज एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। सो आगे देखते हैं एटीट्यूड्स। एटीट्यूड क्या है? तो हमने वैल्यूज में देखा था कि वैल्यू जो है वो एक बेसिस फॉर्म करता है एटीट्यूड के लिए, यानी कि वैल्यूज एंड एटीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम लोग आगे डिफरेंसेस भी देखेंगे वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स के बीच में। तो वैल्यूज ही जो है जो एक फाउंडेशन फॉर्म करता है कोई भी एटीट्यूड में के लिए, मतलब एटीट्यूड आपका चेंज हो सकता है लेकिन वैल्यूज चेंज नहीं होता है। तो देखते हैं, एटीट्यूड इज द परसिस्टेंट टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन अ फेवरेबल और अनफेवरेबल वे टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, पर्सन और आइडिया। बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स हाउ वी फील अबाउट समथिंग। तो बेसिकली एटीट्यूड वो है कि एक इंसान किसी चीज के टूवर्ड्स, किसी इंसान के टूवर्ड्स, कोई आइडिया के टूवर्ड्स, कोई सब्जेक्ट मैटर के टूवर्ड्स क्या फील करता है, फेवरेबली बिहेव करता है वो उसके टूवर्ड्स या अनफेवरेबली बिहेव करता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ मुझे अपना जॉब पसंद है तो ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स द जॉब, ठीक है। आगे है, अकॉर्डिंगली टू पीपल कैन हैव नेगेटिव एटीट्यूड्स और पॉजिटिव एटीट्यूड्स ऑन द सेम सब्जेक्ट। फॉर इंस्टेंस, कंसिडर द वैरिड एटीट्यूड्स पीपल हैव ऑन सोशल इश्यूज सच एज मैट्रिमोनी, अबॉर्शन, होमोसेक्सुअलिटी एक्सेट्रा। ऑल्सो हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू अ सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स दैट पर्सनस एटीट्यूड। तो ये सारा जो फैक्टर्स है जैसे कि अबॉर्शन, होमोसेक्सुअलिटी, बहुत लोगों को बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, बहुत लोगों को ये सही लगता है। तो ये उन लोग का वैरिंग एटीट्यूड है टुवर्ड्स दीज सोशल इश्यूज। एंड यहाँ पे लिखा हुआ ऑल्सो हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स द पर्सन एटीट्यूड। तो कोई भी सिचुएशन में इंसान किस तरीके से बिहेव करता है, वो सिचुएशन को किस तरीके से वो सिचुएशन को संभालता है, ये उसका एटीट्यूड शो करता है। आगे है, मोर ओवर एटीट्यूड्स आर कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स एज एफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। तो ये ABC मॉडल ऑफ एट्रीब्यूट्स है, ये देखते हैं ये क्या है। एफेक्टिव कॉम्पोनेंट रिफर्स टू द पार्ट ऑफ एटीट्यूड्स दैट ड्राइव्स अ पर्सनस फीलिंग। तो ये वो एटीट्यूड का पार्ट है जो इंसान का फीलिंग को ड्राइव करता है, जैसे कि आई डिसअप्रूव ऑफ पेरेंट्स हु डिस्करेज देयर चिल्ड्रेन फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे वैसा वो पसंद नहीं है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि स्कूल नहीं जाना, या उसको स्कूल जाने के लिए डिस्करेज करते हैं, वो कहते हैं कि स्कूल मत जाओ, तो ये चीज ये मुझे पसंद नहीं है, ये गलत है। तो ये क्या, ये मेरा इफेक्टिव कॉम्पोनेंट है, ये मेरा फीलिंग है, और ये इसके वजह से, ये फीलिंग की वजह से हम वो चीज़ को डिसअप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को लग रहा है ये फीलिंग की वजह से आई एम डिसअप्रूविंग कि पेरेंट्स आर डिस्करेजिंग देयर चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज। आगे है, बिहेवियरल कॉम्पोनेंट रिफर्स टू द बिहेवियर अ पर्सन डिस्प्लेज और हाउ वन रिएक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर एटीट्यूड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये है कि बिहेवियरल कॉम्पोनेंट यानी कि कोई एक पर्सन कैसे रिएक्ट कर रहा है कोई एक सिचुएशन में बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड। जैसे कि यहाँ पे आई आर्ग्यू विद मिस्टर सिंह बिकॉज ही इज ट्राइंग टू लीड हिज सन टू गो टू इन टू द आर्मी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कॉलेज। यहाँ पे जो मिस्टर सिंह है वो कह रहा है अपने बच्चे को कि तुम आर्मी में जाओ और कॉलेज में जाओ, तो मुझे मेरा एटीट्यूड है कि ये बिल्कुल गलत कह रहा है और मैं वहां पे रिएक्ट कर रही हूँ सिचुएशन में, आई एम रिएक्टिंग, तो उसके वजह से आई एम आर्ग्यूइंग विद मिस्टर सिंह। तो ये आता है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट में। दूसरा, तीसरा है कॉग्निटिव कंपोनेंट रिफर्स टू अ पर्सन ओपिनियन, बिलीव और थॉट अबाउट अ सब्जेक्ट मैटर और अ पर्सन। एग्जाम्पल, आई बिलीव हायर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल का ओपिनियन और बिलीफ बताता है, वो क्या सोचता है किसी चीज के बारे। जैसे कि अगर मुझे पता है कि हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये मेरा ओपिनियन है, ये आपका आता है कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट में। आगे है, एटीट्यूड्स रिलेवेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो जो एटीट्यूड है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है,
जैसे पीपल डेवलप एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर पर्सन ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज, तो हर एक लोगों का एटीट्यूड रहता है दूसरे पर्सन को लेकर, ऑब्जेक्ट को लेकर एंड आइडियाज को लेकर. एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों जो है उन लोग का ऐसा अलग ही एटीट्यूड रहता है कोई जॉब रिलेटेड चीज से, ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एज एम्प्लॉयज में डेवलप एटीट्यूड्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग लाइक द सैलरी, प्रमोशन, प्रमोशन पॉसिबिलिटीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, द सुपीरियर्स एंड सो ऑन. तो एम्प्लॉयज जिन लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं उन लोग का भी डिफरेंट एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स सैलरी, टुवर्ड्स प्रमोशन एंड जो बेनिफिट्स मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में उसके टुवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द सुपीरियर्स यानी कि सुपरवाइजर्स. तो उन लोग का अलग अलग एटीट्यूड रहता है, बहुत का पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, बहुत को पसंद आता है, उन लोग खुश रहता है, बहुत लोग का नेगेटिव एटीट्यूड रहता है. सो दो ऑल दीज एटीट्यूड्स आर डिफरेंट फॉर द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली द एम्प्लॉय एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी एम्प्लॉय का एटीट्यूड टुवर्ड्स ये थ्री एस्पेक्ट्स इम्पॉर्टेंट होता है जानना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि कोई भी एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स जॉब सेटिस्फैक्शन, टुवर्ड्स जॉब इन्वॉल्वमेंट, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. तो देखते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के टुवर्ड्स एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट कैसे होता है, क्यों होता है. तो जॉब सेटिस्फैक्शन बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है आपका ग्रेटिफिकेशन और फुलफिलमेंट इन देयर वर्क, यानी कि एम्प्लॉयज कितना ग्रेटिफिकेशन यानी कि कितना सेटिस्फाइड है वो अपने जॉब से एंड कितना फुलफिल्ड है यानी कि कितना वो संतुष्ट है एंड खुश है अपने जॉब से. देयर आर वेराइटी ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय सच एज पर्सनल फैक्टर्स, जैसे कि बहुत सारा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है एम्प्लॉयज के जॉब सेटिस्फैक्शन को, जैसे कि एम्प्लॉयज नीड्स एंड एस्पिरेशंस, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स लाइक रिलेशनशिप्स विथ को वर्कर्स यानी कि अपने कलीग्स के साथ उनका क्या बिहेवियर है ये भी इफेक्ट करता है जॉब सेटिस्फैक्शन, उनके सुपीरियर्स मैनेजर्स के टूवर्ड्स उनका क्या बिहेवियर है, कैसा है बिहेवियर, रिलेशनशिप कैसा है, वर्किंग कंडीशंस कैसा है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, उन्हें को पसंद नहीं आ रहा है काम करने का तरीका अगल बगल वाले लोग का, तो उसके वजह से वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, एटीट्यूड अजीब रहेगा टुवर्ड्स वर्किंग कंडीशन विच विल रिफ्लेक्ट इन द जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्क पॉलिसीज, कॉम्पेंसेशन, ये सारा. तो यहाँ पे है कि जॉब सेटिस्फैक्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड हिज वर्क रिलेटेड बिहेवियर. तो ये जॉब सेटिस्फैक्शन अगर होगा इंडिविजुअल में, एटीट्यूड अच्छा रहेगा इंडिविजुअल का टुवर्ड्स जॉब सेटिस्फैक्शन, उन लोग का ये सारा जो फैक्टर्स है इसके टुवर्ड्स एटीट्यूड अच्छा रहेगा तो उन लोग का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा एंड उन लोग का जो वर्क रिलेटेड बिहेवियर है वो भी पॉजिटिव रहेगा. नेक्स्ट है जॉब इन्वॉल्वमेंट. एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स जॉब इन्वॉल्वमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि जो एम्प्लॉयज है उन लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे अपने काम के टुवर्ड्स एंड अपने जॉब के टुवर्ड्स. अगर उन लोग कम्प्लीटली इमर्स्ड नहीं है या फिर उन लोग कम्प्लीटली अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एनर्जी नहीं दे रहे हैं अपने जॉब के टुवर्ड्स, तो उनका एटीट्यूड मतलब सही नहीं है, ठीक है. उनको अपना जॉब पसंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब उन लोग को अपना जॉब को ऐसा देखना है कि वो उन लोग के लाइफ का एक सेंट्रल पार्ट है जॉब, क्योंकि वो जॉब की वजह से उन लोग को सैलरी आ रहा है एंड उसके वजह से उन लोग का रोजी रोटी मिल रहा है उन लोग को अपनी जॉब की वजह से. तो बहुत सारे लोग होते हैं उन लोग इस तरीके से देखते हैं, उन लोग का एटीट्यूड इस तरीके का होता है, उन लोग काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जॉब में, उन लोग जॉब को अपना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने लाइफ का अपने जॉब के टूवर्ड्स. तो वैसे लोग का है कि उन लोग काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं जॉब के लिए. एंड आगे है जॉब इन्वॉल्व एम्प्लॉयज आर लाइकली टू बिलीव इन वर्क एथिक, एग्जिबिट हाई ग्रोथ नीड्स एंड एंजॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. तो जिन लोग जॉब इन्वॉल्व रहते हैं, जो एम्प्लॉयज जिन लोग का जॉब इन्वॉल्वमेंट हाई रहता है, वो बिलीव करते हैं इन वर्क एथिक्स एंड उन लोग का हाई टू एग्जिबिट हाई ग्रोथ नीड्स, ताकि उन लोग का जो नीड्स है उन लोग का जो ग्रोथ है वो भी बेटर हो, इसके लिए उन लोग और ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं एंड उन लोग इंजॉय करते हैं कोई भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड ऐसे एम्प्लॉयज ज्यादा देरी काम भी करते हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स मिले तो, एंड उन लोग अटेम्प्ट करते हैं कि उन लोग अपना जो परफॉर्मेंस है वो बेटर दे, ठीक है. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस.
ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉय लॉयल्टी टू ऑर्गेनाइजेशन इज द डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाइज विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉन्ट्स टू कंटिन्यू एक्टिवली एंड मीनिंगफुली पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट ये है कि कोई भी एम्प्लॉयज अपने ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स कितना लॉयल है एंड कितना एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि ऐसा तो नहीं वो अपना जॉब कर रहा है लेकिन वो बाद में वो बाहर भी कोई दूसरा जॉब ढूंढ रहा है। यानी कि वो कम्प्लीटली कमिटेड नहीं है उस जॉब के टूवर्ड्स, वो लॉयल नहीं है, वो खुश भी नहीं है उस जॉब में, तभी वो दूसरा जॉब ढूंढ रहा है। तो इस टाइप के एटीट्यूड वाले लोग काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड उन लोग लॉयल रहते हैं, जिन लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट हाई रहता है। इट ऑफन रिफ्लेक्ट्स द एम्प्लॉयज बिलीफ इन द मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज विलिंगनेस टू एक्सपेंड एफर्ट इन देयर अकम्पलिशमेंट एंड इंटेंशन टू कंटिन्यू वर्किंग देयर। तो जिन लोगों का कमिटमेंट हाई रहता है, उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है एंड जो मिशंस है उसके टूवर्ड्स भी उन लोग का काफी फोकस्ड रहते हैं, उन लोग काफी फोकस्ड रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अकम्प्लिश हो। उन लोग का ये बिलीफ रहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो मिशन है, वो मेरा भी है एंड मुझे अपना पूरा कमिटमेंट देना है इसके टूवर्ड्स कि वो जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो फुलफिल हो, वो ऑर्गेनाइजेशन अटेन करे, अकम्प्लिश करे, एंड इसके वजह से उन लोग वर्क को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे है ऑर्गेनाइजेशनली कमिटेड एम्प्लॉयज यूजुअली हैव गुड अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, डेमोन्स्ट्रेट अ विलिंगनेस एडहेरेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड हैव लोअर टर्नओवर रेट्स। तो ऐसे लोग जिन लोगों का कमिटमेंट हाई रहता है तो उन लोग का अटेंडेंस भी अच्छा होता है, उन लोग विलिंग रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसीज है वो फॉलो करें उन लोग, एंड उन लोग का लोअर टर्नओवर रेट्स रहता है, यानी कि उन लोग जॉब छोड़ते नहीं है, मतलब जॉब में वही एम्प्लॉयज रहते हैं जो कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जॉब छोड़ रहे हैं लोग, नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं। टर्नओवर रेट्स हाई नहीं रहता, टर्नओवर रेट्स लो रहता है क्योंकि जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में लोग कमिटेड रहते हैं, उन लोग फिक्स्ड रहते हैं अपने जो जॉब करे उसी के टूवर्ड्स। आगे देखते हैं वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स का डिफरेंसेस। वैल्यूज आर जजमेंटल एंड रिप्रेजेंट व्हाट ऑट टू बी बेस्ड ऑन दिस जजमेंट एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्स इन अ गिवन वे। तो वैल्यूज आर जजमेंटल, वैल्यूज के बेसिस पे लोग जज करते हैं एंड उसी अकॉर्डिंग उन लोग बिहेव करते हैं, द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। एटीट्यूड्स आर प्री डिस्पोजिशनल, यानी कि एटीट्यूड्स आपका जो प्रीवियस सस्पेक्ट्स रहता है इंडिविजुअल का, उसके बेसिस पर उन लोग का एटीट्यूड्स फॉर्म होता है एंड वो उन लोग पॉजिटिवली भी रिएक्ट कर सकते हैं एंड नेगेटिवली भी, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अ वैल्यू रिप्रेजेंट्स सिंगल बिलीफ दैट गाइड्स एक्शंस एंड जजमेंट्स अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। ठीक है, तो जो वैल्यूज है वो सिंगल बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है एंड जो एटीट्यूड है दैट रिप्रेजेंट्स सेवरल बिलीफ फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। यहाँ पे अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस रहता है एंड दिस इज फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। वैल्यूज आर डिराइव फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल मोर्स एंड नॉर्म्स। तो वैल्यूज जो है वो डिराइव किया जाता है सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स से एंड वैल्यूज आर रिलेटिवली मोर इंड्यूरिंग, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन एटीट्यूड से वो डिराइव किया जाता है फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ये एटीट्यूड्स आर रिलेटिवली लेस इंड्योरिंग, यानी कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, एटीट्यूड्स माइट चेंज। मॉरल वैल्यूज जो है वो बेस्ड रहता है आपका मॉरल प्रिंसिपल्स एंड मॉरल और मॉरल एथिक्स पे, और एटीट्यूड्स जो है वो मॉरल प्रिंसिपल और मॉरल एथिक्स पे बेस्ड नहीं रहता है एंड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। तो यही था अबाउट वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। सो थैंक यू एवरीवन।